नमस्कार मित्रों, मैं रवि स्वामी स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी इंडिया के अंदर। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, आज सबसे पहले मैं आपको बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि आज अपने पूर्व प्रधानमंत्री, जो भारत के पांचवें प्रधानमंत्री हुए चौधरी चरण सिंह जी, उनके जन्म दिवस पर एक दिवस मनाया जाता है जिसे किसान दिवस कहा जाता है। तो और हम भी एक किसान के बेटे हैं, तो आप सभी को किसान दिवस की शुभकामनाएं। कल हमने बात की थी भी दूध क्या है, दूध का कौन कौन से अवयव है, किन किन अवयवों से मिलकर बना होता है दूध, किन किन अवयवों से मिलकर बना होता है और कितने प्रकार के अवयव होते हैं। और हमने दो अवयवों के बारे में चर्चा की थी, जल हो गया, वसा हो गई। तो दूध कितने अवयवों से मिलकर बना होता है, सात अवयवों से, जिसमें पहला है पानी, दूसरा है वसा, तीसरा है कार्बोहाइड्रेट, चौथा है प्रोटीन, पांचवा है खनिज लवण, छठा है विटामिन और सातवा है एंजाइम या किण्वक। तो इन सभी के बारे में हमने चर्चा की थी, इसी कारण इसे दूध को पूर्ण आहार की संज्ञा दी गई है, क्योंकि ये सभी अवयव इसी में पाए जाते हैं। तो कल हमने जल के बारे में चर्चा की थी, भी जल अलग अलग नस्लों या अलग अलग जाति के अनुसार से ये अलग होता है। जल दूध में कितने प्रतिशत पाया जाता है, तो 80 से 89% पाया जाता है। और वसा दूध में कितने प्रतिशत होती है, तो न्यूनतम वसा है 3.25%। और SNF दूध का कितना होता है, 8.5%। फिर वसा के बारे में चर्चा की थी, सबसे मुख्य तत्व होता है जो सबसे ज्यादा घटने या बढ़ने वाला अवयव होता है, और दूध का जो रेट है या मूल्य है वो इसी पर निर्धारित होता है। फिर हमने चर्चा की थी 1 ग्राम वसा से कितने कैलोरी ऊर्जा मिलती है, तो मैंने वो 9 किलो कैलोरी ऊर्जा बोल दिया था, उसका है 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा। कितना है, 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा। फिर हमने चर्चा की थी भी वसा में, वसा को कितने डिग्री मतलब सेंटीग्रेड पर दूध से अलग किया जाता है, तो वह 34 डिग्री सेंटीग्रेड पर। वसा में दो प्रकार के अमल पाए जाते हैं, ओलिकमल और पामेटिकमल, जो 53% और 35% होता है। तो ये सब चर्चा हमने कल की थी। आज हम चर्चा करते हैं बाकी जो अभी बच गए, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गए, विटामिन हो गए, खनिज लवण हो गए, एंजाइम हो गए। और जो स्टूडेंट आज नए हैं, जिन्होंने पहले क्लासे नहीं देखी है, वो कृपया पहले शुरू से क्लासे अटेंड करें, ताकि अब आपको सब कुछ समझ आ सके, क्योंकि जैसे जैसे हमने मतलब टॉपिक वाइज चल रहे हैं उसी प्रकार समझाएगा। बीच में से कोई भी मतलब क्लासे लगाएंगे तो उसको समझ नहीं आएगा, और आगे भी जैसे भी हम बात करेंगे वो टॉपिक टू टॉपिक करेंगे, ऐसे नहीं है पहले नस्लों की कर लेंगे या पहले कुछ रोगों को कर लेंगे, नहीं, टॉपिक टू टॉपिक। जैसे दूध टेक्नोलॉजी या डेयरी टेक्नोलॉजी चल रही है, तो हम डेयरी टेक्नोलॉजी के बारे में पूरा करके फिर ही आगे बढ़ेंगे। तो आप ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और वीडियो को शेयर करें, ताकि हर बच्चे तक, जो 11वीं 12वीं के बच्चे हैं उन तक भी पहुंच सकें, और जेड के स्टूडेंट हैं जो लॉन्ग टर्म का भेज लगा रहे हैं वो भी क्लासे अटेंड कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक की, जो दूध के मुख्य अवयव है उसमें बात करूंगा मैं अब तीसरे अवयव की, जिसमें है प्रोटीन। तो शुरुआत करते हैं उसी जोश और उसी जुनून के साथ, अपना मुख्य अवयव जिसमें बात करते हैं प्रोटीन। प्रोटीन दूध में एक अवयव है। तो प्रोटीन में ये किस प्रकार होती है, कितने प्रकार की होती है, इससे इनसे कितनी ऊर्जा मिलती है, ये सभी चर्चा करेंगे हम प्रोटीन में। प्रोटीन दूध में किस रूप में पाया जाता है, तो प्रोटीन दूध में पायस के रूप में पाया जाता है, पायस या इंग्लिश में इसे कहते हैं कोलाइड, कोलाइड। दूध में प्रोटीन किस रूप में पाया जाता है, पायस या कोलाइडल रूप में। और दूध प्रोटीन्स कितने प्रकार के होते हैं, प्रोटीन्स तीन प्रकार के होते हैं। प्रोटीन्स कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के। दूध में किस रूप में पाया जाता है, पायस या कोलाइडल रूप में। तीन प्रकार के कौन कौन से होते हैं, पहला हो गया अपना केसिन प्रोटीन, दूसरा हो गया लैक्टो एल्ब्यूमिन, लैक्टो एल्ब्यूमिन, और तीसरा प्रोटीन हो गया लैक्टो ग्लूबुलिन। तीसरा क्या हो गया, लैक्टो
ग्लूबिलिन, ग्लूबुलिन। तो दूध कितने, दूध में प्रोटीन किस रूप में पाया जाता है? पायस रूप में। प्रोटीन्स कितने प्रकार के होते हैं दूध में? तीन प्रकार के होते हैं, पहला हो गया केसिन, दूसरा हो गया लैक्टो एल्बुमिन, तीसरा हो गया लैक्टो ग्लोबुलिन। तो दूध में 80% जो कुल प्रोटीन का 80% है वो केसिन प्रोटीन पाया जाता है। दूध का कितना प्रतिशत प्रोटीन पाया जाता है? केसिन प्रोटीन वो है 80%, और बाकी 20% ये दोनों प्रोटीन लैक्टो एल्बुमिन और लैक्टो ग्लोबुलिन पाए जाते हैं। तो दूध में केसिन प्रोटीन कितना हो गया? 80%, और लैक्टो एल्बुमिन और लैक्टो ग्लोबुलिन 20% पाया जाता है। अब बात करते हैं दूध केसिन प्रोटीन। दूध का सफेद रंग किस प्रोटीन के कारण होता है? दूध का सफेद रंग केसिन प्रोटीन के कारण होता है। सफेद रंग किस प्रोटीन के कारण होता है? केसिन प्रोटीन के कारण होता है। तो दूध का सफेद रंग किस कारण होता है? केसिन प्रोटीन के कारण। और पीला रंग होता है केरोटीन वर्णक के कारण। किस कारण होता है? केरोटीन एक प्रकार का वर्णक होता है जिसके कारण दूध का पीला रंग होता है। जैसे गाय का दूध थोड़ा पीलापन लिए होता है, उसका पीलापन होता है किस कारण? केरोटीन वर्णक के कारण। और दूध का सफेद रंग होता है वो केसिन एक प्रकार की प्रोटीन है उसके कारण होता है। तो प्रोटीन किस रूप में पाए जाते हैं? पायस रूप में। और कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के, केसिन, लैक्टो एल्बुमिन, लैक्टो ग्लोबुलिन। केसिन 80% पाई जाती है और लैक्टो एल्बुमिन, लैक्टो ग्लोबुलिन 20% पाई जाती है। दूध का सफेद रंग किसके कारण होता है? केसिन के कारण। और पीला रंग किसके कारण होता है? केरोटीन वर्णक के कारण। तो ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, दूध में पायस के रूप में पाई जाती है, दूध का सफेद रंग केसिन के कारण और पीला रंग केरोटीन वर्णक के कारण। अब बात करते हैं केरोटीन वर्णक है या केसिन है, जो केसिन है दूध में कितने प्रतिशत, जो पहले बात की हमने दूध में प्रोटीन दूध का 80% पाई जाती है, दूध का केसिन कितने प्रतिशत है पाया जाता है? तो दूध में प्रोटीन किस रूप में पाई जाती है? पायस के रूप में। और कितने प्रकार की होती है? तीन प्रकार की, लैक्टो एल्बुमिन, लैक्टो ग्लोबुलिन और केसिन। तो दूध में केसिन तीन से 3.5% पाई जाती है। तीन से पांच प्रतिशत पाई जाती है। जैसे कुल दूध का 2 से 3.5% पाई जाती है। और प्रोटीन्स तीन प्रकार की होती है, उसमें 80% होती है केसिन प्रोटीन। अब बात करते हैं प्रोटीन को दूध में अलग करने की कौन सी विधि है। जैसे प्रोटीन्स को अलग करना होता है तो दूध में अलग करने की विधि है जेडोल या पाइनस विधि। अलग करने की विधि है दूध से, अलग करने की विधि कौन सी है? जेडोल या पाइनस विधि। तो हमने प्रोटीन्स के बारे में 5 बातें करी हैं। पहला किया है दूध में प्रोटीन किस रूप में पाई जाती है? पायस के रूप में। दूसरी है कितने प्रकार की प्रोटीन होती है? केसिन, एल्बुमिन और लैक्टो ग्लोबुलिन। तो कितने प्रतिशत केसिन पाई जाती है? 80% और 20% लैक्टो एल्बुमिन, लैक्टो ग्लोबुलिन। फिर हमने बात की केसिन दूध का सफेद रंग किस कारण होता है? केसिन के कारण। और पीला रंग किसके कारण होता है? केरोटीन वर्णक के कारण। फिर हमने बात की भी दूध में केसिन कितने प्रतिशत तक पाई जाती है? 2 से 3.5% पाई जाती है। और दूध से प्रोटीन्स अलग करने की विधि कौन सी है? जेडोल या पाइनस विधि। अब बात करते हैं प्रोटीन से कितनी ऊर्जा मिलती है। तो 1 ग्राम प्रोटीन से 4 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। 1 ग्राम प्रोटीन से 4 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। कितने किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है? 4 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। कल वसा की बात की थी, उसमें मैंने 9 किलो कैलोरी बोल दिया था, तो उसका है 9.3 किलो कैलोरी। कितना है? 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है 1 ग्राम वसा से।
एक ग्राम वसा से 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। तो प्रोटीन की बात होगी। अब बात करते हैं अपने अगले अवयव की। अब तक तीन अवयव हो चुके हैं, कौन सा? जल हो गया, वसा होगी, प्रोटीन होगी। अब बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या है और किस रूप में दूध में पाए जाते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट क्या है? कार्बोहाइड्रेट को लैक्टोज कहते हैं या दुग्धम कहते हैं या इसे दूध की शर्करा कहा जाता है। बात करते हैं चौथा अवयव कौन सा है अपना? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट 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 दूध में किस रूप में पाया जाता है? तो घुलनशील अवस्था में पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट दूध में घुलनशील अवस्था में पाया जाता है। दूध में घुलनशील अवस्था में या लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। घुलनशील अवस्था में पाया जाता है और कार्बोहाइड्रेट को लैक्टोज या दुग्धम या दुग्ध की शर्करा कहा जाता है। दुग्धम या दुग्ध की शर्करा कहा जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट किस अवस्था में पाया जाता है? घुलनशील अवस्था में। इसे लैक्टोज, दुग्धम या दुग्ध की शर्करा कहा जाता है। कार्बोहाइड्रेट के कारण ही दूध में थोड़ा मीठापन होता है। जैसे मीठापन लिए होता है, वो दूध का मीठापन होता है, वो किसके कारण होता है? अपने कार्बोहाइड्रेट के कारण। तो दूध का मीठापन भी किसके कारण होता है? कार्बोहाइड्रेट के कारण। दूध का मीठापन भी कार्बोहाइड्रेट के कारण होता है। बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट में और कार्बोहाइड्रेट से एक ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। प्रोटीन से भी कितनी मिलती है? 4 किलो कैलोरी। वसा से मिलती है 9.3 किलो कैलोरी और कार्बोहाइड्रेट से भी 4 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। कार्बोहाइड्रेट जल में घुलनशील अवस्था में होता है और इसे दूध के दुग्धम कहते हैं, लैक्टोज कहते हैं और दूध की शर्करा कहा जाता है। कार्बोहाइड्रेट ही एक डाइसैकेराइड है। क्या है? डाइसैकेराइड संरचना है या शर्करा है। डाइसैकेराइड शर्करा है। डाइसैकेराइड का मतलब हो गया ये दो प्रकार के एंजाइम से मिलकर बना होता है, लैक्टोज और ग्लैक्टोज। लैक्टोज प्लस ग्लैक्टोज तो डाइसैकेराइड हो गया। इसी कारण इसे लैक्टोज दुग्धम या दुग्ध शर्करा कहा जाता है। ये डाइसैकेराइड हो गया जो किससे मिलकर बनता है? लैक्टोज प्लस ग्लैक्टोज से। कार्बोहाइड्रेट दूध में घुलनशील होता है, लैक्टोज दुग्धम दुग्ध की शर्करा कहा जाता है। एक ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। यह दूध का सबसे कम परिवर्तनशील पदार्थ है। सबसे कम परिवर्तनशील अवयव है। क्या है? सबसे कम परिवर्तनशील। कम परिवर्तनशील का मतलब हो गया भी ऐसे तो नहीं है भी हम के किसी भैंस को या किसी गाय को 4 किलो गुड़ डाल दिया तो कल मीठा दूध देने लगेगी, नहीं। तो वसा सबसे ज्यादा घटने या बढ़ने वाला या सबसे ज्यादा परिवर्तनशील कारक है, क्योंकि दूध में पानी मिलाने से वसा ऊपर हो सकती है, वसा नीचे हो सकती है। तो लेकिन कार्बोहाइड्रेट का मतलब है भी आज नहीं भी किसी भैंस को हमने मीठा चारा डाल दिया तो वो नहीं है, कल उसका दूध मीठा ही होगा। तो इसी कारण इसे क्या कहते हैं? ये सब दूध का सबसे कम परिवर्तनशील कारक है। इसी कारण इसे सबसे परिवर्तनशील कारक कहा जाता है। वसा सबसे कम अधिक परिवर्तनशील कारक हो गया, सबसे कम हो गया कार्बोहाइड्रेट हो गया। तो अब बात करते हैं वसा किस रूप में पाई जाती है। वसा निलंबन और गोलिकाओं के रूप में पाई जाती है। प्रोटीन्स किस रूप में पाए जाते हैं? प्रोटीन्स पाए जाते हैं अपने पायस के रूप में और
कार्बोहाइड्रेट घुलनशील अवस्था में पाए जाते हैं। तो हमने चार अवयव कर लिए हैं, जिसमें पहला हो गया जल, दूसरा हो गया वसा, तीसरा हो गया प्रोटीन्स और चौथा हो गया कार्बोहाइड्रेट। आप साथ के साथ नोट करते जाइए ताकि हैंड टू हैंड नोट्स अच्छे से नोट्स बन सके या टॉपिक वाइज नोट्स बन सके। और जो बच्चे नए क्लास लगा रहे हैं वो पीछे की क्लासे प्लीज देखें ताकि आपको सही अच्छी तरह से समझा सके। अब बात करते हैं अगले अवयव की। अगला अवयव है अपना विटामिन्स। विटामिन्स कितने प्रकार के होते हैं? विटामिन्स दो प्रकार के होते हैं, एक जल में भी है और एक वसा भी है। बात करते हैं विटामिन्स की। तो पांचवा अवयव है अपना विटामिन्स। विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? विटामिन दो प्रकार के होते हैं, एक हो गया वसा विलेय और दूसरा हो गया जल विलेय। वसा विलेय चार प्रकार के होते हैं, ए डी ई और के। और जल विलेय कितने होंगे? दो प्रकार के होते हैं, बी और सी। कितने प्रकार के होते हैं जल विलेय? दो प्रकार के। वसा विलेय कितने हो गए? चार, ए डी ई के। इसको याद करने का तरीका अपने बागड़ी भाषा कहते हैं ना, नई नई छोरी कोचिंग ला गए और न्यू न्यू छोरों कोचिंग ला गए तो दो दिन आख्या में, क्योंकि पापा की फ्री हो आजकल, क्योंकि वो ट्रेंड में चल रहे अपने पापा की फ्री हो ई कारण नई नई कोचिंग ला सी। पहले दिन दोनों देख सी छोरी को टाइम चक सी भी किसी बस में आवे, तो छोरो भी ने दो दिन देख सी किसी बस में आवे, किसी गांव में आवे खटे खटे को, तो बस पर वो भी छोरी के करे को अडिका को, तो अडिका को अडिक ए डी ई के, तो बस पर बस निकलने को अडिका को छोरो कि ने छोरी ने, तो इया याद को रहे। लेकिन ई बातों के रे जवाब ने वसा भी विटामिन किसा है? अडिक, अडिक मतलब ए डी ई के। और जल विलेय विटामिन कौन से है? बी और सी। तो वसा विलेय विटामिन अच्छी तरह याद रहे खाने में, क्योंकि ए डी ई के और जल विलेय विटामिन है बी और सी। अब बात करते हैं विटामिन में सबसे ज्यादा विटामिन दूध में ए पाया जाता है। सबसे अधिक मात्रा में कौन सा विटामिन पाया जाता है? सबसे अधिक मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है। कौन सा विटामिन? विटामिन ए पाया जाता है। और नगण्य मात्रा में कौन सा विटामिन पाया जाता है? नगण्य पाया जाता है विटामिन सी। नगण्य मात्रा में मतलब ये बिल्कुल ही नहीं पाया जाता। जल विलेय विटामिन है जो बी कॉम्प्लेक्स के सारे हैं जितने भी, वो सभी पाए जाते हैं। सी विटामिन ओनली किसके दूध में पाया जाता है? ऊंटनी के दूध में पाया जाता है। ऊंटनी के दूध में पाया जाता है। ऊंटनी के दूध में कौन सा विटामिन पाया जाता है? सी विटामिन पाया जाता है। इस कारण वो जब में डायबिटीज के रोगी हैं उनके लिए ऊंटनी का दूध ही सर्वोत्तम माना जाता है। और इसी के मात्रा में ऊंटनी के दूध में इंसुलिन की मात्रा भी सर्वाधिक पाई जाती है। तो वह विटामिन कितने प्रकार के होंगे? वसा विलेय और जल विलेय। बस करें कौन अडिक है? लड़को अडिक है। किन है? पापा की परी ने। तो अडिक वसा विलेय हो गए, जल विलेय हो गए बी और सी। ऊंटनी के दूध में कौन सा विटामिन पाया जाता है? ओनली सी। और सबसे ज्यादा दूध में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन ए। और सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है कितने प्रकार के हो गए? चार प्रकार के। और जल विलेय हो गए दो प्रकार के। ये सभी भी घुलनशील अवस्था में पाए जाते हैं, लेकिन वसा और प्रोटीन्स को छोड़कर सभी जो अवयव हो गए वो घुलनशील मात्रा में पाए जाते हैं। अब बात करते हैं अपने खनिज लवण की। खनिज लवण किस अवस्था में पाए जाते हैं? तो अवयव कौन सा हो गया अपना? छह नंबर। मुख्य दूध छह अवयवों से मिलकर बना होता है। एंजाइम या किण्वक होते हैं वो उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। उत्प्रेरक का मतलब होगा किसी जो क्रिया चल रही है उसको धीमा करना या तेज करना, वो कार्य होता है उत्प्रेरक का। तो मुख्य छह प्रकार के अवयव हो गए। पांचवा कौन था? विटामिन। और छठा है अपना खनिज लवण या मिनरल्स। खनिज लवण तो खनिज लवण
दूध में किस अवस्था में पाए जाते हैं? तो घुलनशील अवस्था में पाए जाते हैं, घुलनशील अवस्था में, घुलनशील अवस्था में पाए जाते हैं। कौन से? खनिज लवण। दूध में लगभग सभी खनिज लवण पाए जाते हैं, दूध में सभी प्रकार के, सभी प्रकार के खनिज लवण, लगभग सभी प्रकार के खनिज लवण उपस्थित होते हैं, खनिज लवण उपस्थित होते हैं। और सर्वाधिक मात्रा में कौन से खनिज लवण पाए जाते हैं? तो कैल्शियम और फास्फोरस। कैल्शियम और फास्फोरस का दूध अच्छा स्रोत होता है, या अच्छा स्रोत होता है। कैल्शियम की मात्रा अधिक पाई जाती है, जैसे हमें हमारी मम्मी बोलती है कि दूध पिया करो हड्डियां मजबूत होती है, तो कैल्शियम और फास्फोरस इसमें ज्यादा पाए जाते हैं। सबसे कम या नगण्य मात्रा में कौन सा खनिज लवण पाया जाता है? फेरस या लोहा। फेरस या लोहा सबसे कम मात्रा में या नगण्य मात्रा में पाया जाता है। ये क्वेश्चन अब तक सभी एग्जामों में, जैसे जेट हो गया, आईसीआर हो गया, प्री पीजी हो गया, यहां तक कि बीएचयू हो गया, तो अपना सा नॉर्मल सा एग्जाम है एनिमल अटेंडेंट। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जिसमें फिर कौन सा खनिज लवण दूध में नहीं पाया जाता, तो चार ऑप्शन दे देगा आपको, फेरस हो गया, मैग्नीज हो गया, क्लोरीन हो गया, या आर्गन हो गया। तो उसमें कौन सा ऑप्शन होगा? फेरस। फेरस दूध में नगण्य मात्रा में पाया जाता है, तो ये घुलनशील अवस्था में होता है, और फेरस नगण्य मात्रा में पाया जाता है। सबसे ज्यादा कैल्शियम व फास्फोरस पाए जाते हैं। तो पांच अवयव कर लिए हमने, सॉरी छह अवयव कर लिए खनिज लवण। पहला हो गया जल, दूसरा हो गया वसा, तीसरा हो गया प्रोटीन, चौथा हो गया कार्बोहाइड्रेट, पांचवा हो गया विटामिन, और छठा हो गया किण्वक, सॉरी छठा हो गया खनिज लवण। अब बात करते हैं एंजाइम या किण्वक की। एंजाइम या किण्वक, हम मैंने अभी आपको बताया था, ये उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। उत्प्रेरक का मतलब हो गया कोई भी क्रिया चल रही है जिसमें उसमें उसको धीमा करना या तेज करना, उसका कार्य क्या होता है? क्रिया को धीमा करना या तेज करना, उसे क्या कहते हैं? उत्प्रेरक। जैसे अपने दूध का दही जमना, ये किसके कारण होता है? एंजाइम के कारण। दूध का दही में जमना या दूध का पनीर में कन्वर्ट होना, ये एंजाइमों के कारण होता है। तो दूध में अनेक प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। तो सातवां अपना अवयव हो गया एंजाइम या किण्वक, एंजाइम या किण्वक, जो दूध में अनेक प्रकार के हो गए, जैसे लाइपोज हो गया, गैलेक्टोज हो गया, फास्फेटेज हो गया, या हाइड्रोजनेज हो गया, ये सभी प्रकार के, अन्य सभी प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। जैसे हो गया लाइपेज, हाइड्रोजनेज, हाइड्रोजनेज फास्फेटेज, या अन्य सभी प्रकार के जो भी एंजाइम होंगे वो सभी दूध में उपस्थित होते हैं। और एंजाइम का क्या कार्य होता है? उत्प्रेरक का कार्य होता है। एंजाइम का कार्य उत्प्रेरक का, उत्प्रेरक का होता है। उत्प्रेरक का मैंने बता ही दिया, ये किसी भी क्रिया को धीमा या तेज करने के लिए उत्प्रेरक मिलाया जाता है। इसी कारण है जैसे दूध का पनीर बनना या दूध का दही में बदलना, ये एंजाइमों के कारण होता है। तो हमने आज दूध के मुख्य मुख्य अवयव कर लिए। कितने प्रकार के अवयव होते हैं? सात प्रकार के, जिसमें जल हो गया, वसा होगी, प्रोटीन्स हो गए, कार्बोहाइड्रेट हो गए, और विटामिन हो गए, और खनिज लवण हो गए, और एंजाइम हो गए। इन सभी से एक नॉर्मल क्वेश्चन है जरूर आता है, हर एग्जाम में देखने को मिलेगा, अवयवों से आता है, और आता ही ऊपर से है। जैसे वसा होगी, सबसे ज्यादा घटने बढ़ने वाला अवयव कौन सा है? वसा। और सबसे कम परिवर्तनशील कौन सा है? कार्बोहाइड्रेट। तो आज हमने बात की है कि दूध में कितने एंजाइम है, सभी की चर्चा हमने विस्तार से कर ली है, और कल हम करेंगे दूध में संगठन की। दूध में संगठन का मतलब किस पशु के, जैसे नस्ल के अनुसार, या नहीं सॉरी जाति के अनुसार, जैसे भेड़ में कितना दूध, भेड़ के दूध में कितना पानी हो गया, उसमें कितने प्रतिशत वसा होती है, कितने प्रतिशत कार्बोहाइड्रेट होता है, और कितने प्रतिशत मिनरल्स होते हैं। तो ये सभी हम अलग अलग जाति के अनुसार से
हम बात कल करेंगे, कल चर्चा करेंगे, क्योंकि ये काफी बड़ी टेबल है और इसको याद करवाना है। मेन बात यह है कि ये टेबल याद नहीं होती किसी को, क्योंकि अलग अलग होती है परसेंटेज के हिसाब से, तो ये आपको ट्रिक के द्वारा याद करवाई जाएगी। और इसी के बाद में करें हम दूध के भौतिक गुणों के टॉपिक टॉपिक चलेंगे, और आप हैंड टू हैंड नोट्स तैयार करते रहिए, ताकि आपको आने वाले समय में भी काम आए और एनिमल अटेंडेंट के लिए कभी भी एग्जाम हो तो आप पूरी तरह तैयार रहे। तो आज के लिए इतना ही, आपसे विदा लेना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।